Now again, previous session we just going to discuss the basic property about string buffer and string builder classes. Just this case I simply provide the comparison table between string buffer and string builder classes regarding different properties, means with respect to object type, thread shape, tuples, you know, like that. First one, object type ke respect baat kar rahe hain, string class ke object kis type ke objects hain, mutable or immutable. Strings are immutable objects in Java. जबकि string buffer और string builder class की बात करें, string buffer के objects कैसे mutable और immutable? Objects are mutable. Same as in case of string builder, objects are mutable. Clear? Next one. Second point क्या है about thread safety? Just मैंने discuss किया था in case of string buffer and string builder type. स्ट्रिंग बफर क्लास के ऑब्जेक्ट्स की बात करें, स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं? स्ट्रिंग बफर के अंदर मोस्ट ऑफ मैसेज डिक्लेयर हुए हैं एज अ सिंक्रोनाइज, देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज थ्रेड सेफ. मींस इन केस ऑफ स्ट्रिंग बफर के केस में ऑब्जेक्ट कैसा है? थ्रेड सेफ, बिकॉज मोस्ट ऑफ मेथड्स आर डिक्लेयर्ड एज synchronized inside string buffer class. This is thread safe property की वजह से string buffer का object at a time only single thread के through update करना possible है. Multiple threads are not able to updating string buffer object. जबकि suppose अगर आपको किसी particular cases में अगर object का handle multiple threads के लिए provide करना देना, आप use क्या करोगे? Either string or string builder. String builder दोनों कैसे non thread safe. Both are नॉन थ्रेड सेफ, बिकॉज दोनों ही क्लासेस के मेथड कैसे हैं? नॉन सिंक्रोनाइज्ड मेथड, नॉन थ्रेड सेफ. अगर आपको चेक करना है मेथड सिंक्रोनाइज्ड है नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, जस्ट मैं थ्रेड आपको मल्टीमीस कंप्लीटली डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग सेपरेट सेशन इन फ्यूचर क्लासेस. मीन्स सिंक्रोनाइज मेथड हमेशा सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड्स के थ्रू डिक्लेयर होंगे. अगर आपने कोई मेथड विदाउट सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड डिफाइन किया देन इसका टाइप क्या हुआ? नॉन थ्रेड सेफ. अगर आपको चेक करना है देन यूज क्या कर सकते हो? अगेन जावा पी कमांड के थ्रू स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के मेथड्स के डिक्लेरेशन डिस्प्ले कराना पॉसिबल है. सेम है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के मेथड कैसे हैं? नॉन सिंक्रोनाइज्ड, अगेन नॉन थ्रेड सेफ, बिकॉज मल्टीपल थ्रेड्स आर एबल टू अपडेटिंग स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट, नॉन थ्रेड सेफ. नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया रिगार्डिंग वर्जन्स. स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग क्लास विल बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जेडीके 1.0. सेम एज स्ट्रिंग बफर क्लास भी इंट्रोड्यूस कब हुआ था? ऑल्सो ड्यूरिंग जेडीके 1.0. लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इंट्रोड्यूस किया स्पेशली इन न्यू वर्जन ऑफ जेडीके 1.5 ऑनवर्ड्स. मीन्स इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन जेडीके 1.5 ऑनवर्ड्स. नेक्स्ट पॉइंट, वे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशंस. मीन्स हाउ मेनी वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर. स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के आपके पास टोटल टू अप्रोच अवेलेबल थे, यूजिंग डबल कोट्स और यूजिंग एज अ स्ट्रिंग लिटरल्स. यूजिंग डबल कोट्स और बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, दोनों डिफरेंसेस में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. लेकिन स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास की केस बात करें, इनको क्रिएट करने का ओनली एक ही अप्रोच है, यूजिंग न्यू और यूजिंग न्यू कीवर्ड. सेम एज ऑल्सो यूजिंग न्यू. स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर टाइप्स के ऑब्जेक्ट डायरेक्टली डबल कोट्स के थ्रू असाइन करना या क्रिएट करना पॉसिबल नहीं. नेक्स्ट वन, ओवरराइडिंग इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड्स. जनरली ये प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्लास. मीन्स ऑलमोस्ट मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी एक्सप्लेन किया था, जावा के अंदर जितने भी क्लासेस हैं, चाहे वो प्री डिफाइंड क्लासेस हों या यूजर डिफाइंड क्लासेस हों, सभी क्लासेस का सुपर टाइप क्या है जावा के अंदर? ऑब्जेक्ट क्लास. ऑल क्लासेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट. देन अगर स्ट्रिंग क्लास की बात करें, स्ट्रिंग क्लास का सुपर टाइप क्या है? ऑल्सो ऑब्जेक्ट. स्ट्रिंग बिल्डर का और स्ट्रिंग बफर का भी टाइप क्या है? ऑल्सो ऑब्जेक्ट. और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का भी सुपर टाइप है? ऑल्सो ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्लास की बात करें, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर टोटल 11 मेथड्स अवेलेबल, सारे के सारे 11 मेथड इनहेरिट किसके अंदर? ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग, ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग बफर, ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग बिल्डर. इनमें से मीन्स ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर मैं बात करूँ करेंटली अबाउट इक्वल्स, रियल में इक्वल्स किस क्लास का मेंबर है? इट इज अ मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास. सेम है हैश कोड की बात करें, हैश कोड भी किस क्लास का मेथड है? ऑल्सो ऑब्जेक्ट क्लास.
अगर सपोजेड सेम मेथड चाइल्ड क्लास की केस मत करें, स्ट्रिंग क्लास ने दोनों ही मेथड ओवरराइड किए इक्वल्स एज वेल एज हैश कोड, लेकिन स्ट्रिंग बफर की बात करें, स्ट्रिंग बिल्डर की बात करें, इन क्लासेस ने ना ही स्ट्रिंग बफर सॉरी ना ही इक्वल्स मेथड को ओवरराइड किया, ना ही हैश कोड मेथड को ओवरराइड किया। मीन्स इन पर्टिकुलर मेथड का यूज क्या है, पर्पज क्या है, जस्ट डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग कलेक्शन फ्रेमवर्क और जस्ट बेसिक आइडिया प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट सेशन। क्लियर? फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना, मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर मेथड सुपर क्लास और चाइल्ड क्लास में दोनों में अवेलेबल है, इन चाइल्ड क्लास के रिस्पेक्ट में नेम दोगे जाए ओवर राइडिंग, अगर चाइल्ड क्लास ने प्रोवाइड नहीं किया देन चाइल्ड क्लास डजेंट ओवर राइडिंग सुपर क्लास मेथड्स। फाइनली स्ट्रिंग क्लास ने इक्वल्स मेथड को भी ओवर राइड किया प्लस हैश कोड मेथड को भी ओवर राइड किया, मीन्स ओवर राइडिंग और नॉट, यस, बट इन दैट केस नो एंड नो, डजेंट ओवर राइडिंग इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड। इसका मीनिंग क्या है, एक कोई हैश कोड मेथड का जस्ट पर्पज क्या रहता है, हैश कोड मेथड विल रिटर्न्स डुप्लीकेट एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाई JVM। जनरली जावा के अंदर आपके लिए कभी भी ओरिजिनल एड्रेस एक्सेस करना पॉसिबल नहीं। सपोज अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस एक्सेस करना चाहते हैं, देन एड्रेस को एक्सेस करने के लिए आप ऑलवेज कॉल करोगे हैश कोड मेथड। हैश कोड मेथड में रिटर्न क्या करता है, एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ये एड्रेस कैसा होगा, एक्चुअल एड्रेस और डुप्लीकेट एड्रेस, डुप्लीकेट एड्रेस क्रिएटेड बाई JVM बाई अप्लाइंग सम बेसिक एल्गोरिदम्स। क्लियर? अगर मैं स्ट्रिंग क्लास की बात करूँ, स्ट्रिंग क्लास ने इक्वल्स को भी ओवरराइड किया प्लस हैश कोड को भी ओवरराइड किया है। हैश कोड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे ओवरराइड किया, अगर टू स्ट्रिंग के अंदर अगर आपने सेम कंटेंट असाइन किया लाइक ABC, देन इस केस में हैश कोड मेथड दोनों ही सेम कंटेंट के रिस्पेक्ट में हैश कोड एड्रेस कैसा प्रोवाइड करेगा, सेम एड्रेस। मीन्स अगर आप फिजिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करें लेकिन लॉजिकली कंटेंट सेम है, देन उस केस में हैश कोड कैसा आएगा, सेम हैश कोड। लेकिन दोनों केसेस में अगर आपने सेम कंटेंट सान किए टू डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, तब भी उनके हैश कोड एड्रेस कैसे आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट हैश कोड, बिकॉज इट डजेंट ओवर राइडिंग हैश कोड मेथड। लेकिन स्ट्रिंग क्लास ने हैश कोड मेथड को इस टाइप से इंप्लीमेंट किया जिन पर्टिकुलर केसेस में सेम कंटेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में ऑलवेज सेम एड्रेस रिटर्न होगा, ना कि डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस। क्लियर? सेम है इक्वल्स की बात करें, जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इक्वल्स मेथड ड्यूरिंग स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास के केस में इक्वल्स मेथड के मीन्स स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स को आपने इक्वल इक्वल ऑपरेटर से भी कंपेयर किया था प्लस इक्वल्स मेथड के थ्रू भी कंपेयर किया था। दोनों में डिफरेंसेस क्या थे, जब भी आप इक्वल इक्वल ऑपरेटर के थ्रू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते थे, उस केस में कंपेरिजन किसका हुआ था, कंटेंट्स कंपेरिजन और एड्रेस कंपेरिजन। इन केस ऑफ इक्वल इक्वल ऑपरेटर कंपेरिजन विल बी परफॉर्म रिस्पेक्ट टू एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इक्वल्स मेथड की बात करें, इक्वल्स मेथड के केस में कंपेरिजन किसका हो रहा था, एड्रेस और वैल्यूज। क्लियर? लेकिन अगर स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर की बात करें, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर दोनों ही क्लासेस के केसेस में इक्वल्स मेथड को ओवरराइड नहीं किया है, इसलिए इन दोनों ही केसेस में अगर मैं बात करूं, इन केस ऑफ स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर के टू डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को चाहे आप इक्वल इक्वल ऑपरेटर से कंपेयर करो या फिर इक्वल मेथड्स के थ्रू कंपेयर करो, दोनों ही केसेस में कंपेरिजन किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू एड्रेस। स्पेशली याद रखना इस पॉइंट को, मीन्स स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का इक्वल्स मेथड कंपेयर क्या करेगा, एड्रेसेस और कंटेंट्स, एड्रेसेस, जबकि स्ट्रिंग क्लास का इक्वल मेथड कंपेयर क्या कर रहा है, वैल्यूज, और इक्वल इक्वल ऑपरेटर की केस में एड्रेस। सेम एज इन केस ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर के केसेस में टू स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट को अगर आप इक्वल इक्वल ऑपरेटर से कंपेयर कर दे या फिर इक्वल्स मेथड के थ्रू कंपेयर करा दो, इस केस में इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का कॉल होगा क्योंकि चाइल्ड क्लास ने कोई न्यू मेथड प्रोवाइड नहीं किया, इसलिए कंपेरिजन किसके रिस्पेक्ट में होगा, रिस्पेक्ट टू मेमोरी एड्रेस। जैसे इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट केस में एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा, देन आपके लिए ऑल अच्छे से इजीली समझना पॉसिबल। नेक्स्ट वन, लास्ट केस, व्हेनेवर वी शुड गो फॉर स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। क्लियर? स्ट्रिंग के केसेस में सपोज दैट अगर आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करें या मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करें, तो उसके लिए बेस्ट चॉइस क्या है, गो थ्रू स्ट्रिंग। अगर सपोजेड ऑब्जेक्ट के लिए आप फ्रिक्वेंट ऑपरेशन अप्लाई करें या अपडेट ऑपरेशन या ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम चेंजेस करें, तो उसके लिए बेस्ट चॉइस क्या है, गो थ्रू स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। क्लियर? दिस इज द बेस्ट चॉइस इफ फ्रिक्वेंट ऑपरेशन इज नॉट अपडेट, फ्रिक्वेंट ऑपरेशन is not updating or update. String buffer best choice क्या है, अगर आप string means frequent operations क्या है, update plus
अगर आपको ओनली ऑब्जेक्ट सिंगल थ्रेड के लिए अप्लाई करना है तो यूज क्या करेंगे, स्ट्रिंग बफर। यहाँ आप मेंशन कर लेना स्पेस अवेलेबल नहीं है। मीन्स इस केस में यूज करने के टू पर्पज हैं। फर्स्ट केस क्या हुआ, इफ फ्रिक्वेंट ऑपरेशन इज अपडेट एंड, इसके अलावा एंड वांट टू अलाउ सिंगल थ्रेड क्लियर सेम एज। इस पर्टिकुलर केस में इन केस ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर के केस में आपको क्या हुआ, अगर फ्रिक्वेंट ऑपरेशन जैसे अपडेट प्लस अगर आप सिंगल थ्रेड अलाउ न करके अगर आप मल्टीपल थ्रेड्स अलाउ करना चाहते हो तो यूज क्या करोगे, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन दिस थ्री क्लासेस।